हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2022 को, उसमें आपके सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका जनरल हिंदी से। परीक्षा और परीक्षा शब्द युग्म का उचित अर्थ कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए हैं, मूल्यांकन या परीक्षण, परीक्षण या मूल्यांकन, कीचड़ और जांच, या फिर जांच और कीचड़। इस शब्द युग्म का उचित अर्थ होगा ऑप्शन डी, जांच और कीचड़। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है संज्ञा से। कलयुग के भीम, इस वाक्य में भीम शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो कलयुग के भीम, इस वाक्य में भीम शब्द का संज्ञा भेद है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह से पूछा गया है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन आपको दिया है, क्या वह बैल तुम्हारा ही है, लो मैं ये चला, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ऑप्शन डी है, वाह उसने तो तुझे अच्छा धोखा दिया। आपके ऑप्शन ए, बी और डी में जो है सही विराम चिन्ह का यूज हुआ है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकाल में उत्सव उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो अकाल में उत्सव उपन्यास के रचनाकार हैं पंकज सुबीर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वाक्य से पूछा गया है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर संकेत वाक्य है? तो ये एक है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे जाना नहीं जा सके इस अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? उसे अज्ञात कहेंगे, अवज्ञा कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे या फिर आदेश कहेंगे? जिसे जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुहावरा पूछा गया है। इज्जत बचाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? पगड़ी बांधना, पगड़ी में खाक डालना, पगड़ी रखना या फिर पगड़ी में फूल रख जाना। तो इज्जत बचाने इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है पगड़ी रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये पर्यायवाची से पूछा गया है। उन्मुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खुला हुआ, जुनून, लालायित या फिर दीवानापन? तो उन्मुख का पर्यायवाची शब्द है लालायित। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? उर्वरा, ऊसर, उपज या फिर उरग? तो ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ऊसर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये समास से क्वेश्चन पूछा गया था। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष, रसभरा, दोपहर या फिर
पद भ्रष्ट, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रत्यक्ष। तो आपका जो UPPCL JEE का एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप UPPCL JEE फरवरी 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सिविल का उसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।